तो शायद सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहे हैं जिसे कोरोना या COVID-19 मेडिकली कहते हैं, और कोरोना के टेस्ट को लेके काफी लोगों में काफी मालूमात हासिल करने की बड़ी ख्वाहिश भी है और काफी गलत फहमियां भी है। इसलिए वीडियो के जरिए कोरोना का टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या करते हैं और उसके रिजल्ट के क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होते हैं, ये समझाने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले कोरोना पे ना जाते हुए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि जैसे जिस तरह से अगर हमने आम की गुठली ली और आम की गुठली को जमीन में गाड़ दी, गाड़ने के बाद में कुछ दिन उसको खत पानी देते रहे, बाद में पौधा आया, फिर झाड़ आ गया, झाड़ आने के बाद में उसमें फल आ गए। जब गुठली आम की गाड़ी थी और बाद में फल आता है, फिर हम झाड़ से फल तोड़ते हैं, तो हमको तो पता रहता है कि क्योंकि अगर आम का फल अगर लगा है तो जो गुठली थी वो जाम या कोई दूसरे फल की नहीं थी, वो आम की गुठली थी। तो उसी तरह से कोरोना के टेस्ट में जो इसका जो बेस रहता है, उस बेस में हम कोरोना जो जेनेटिक मटेरियल जो जमा करते हैं उसको हम PCR टेस्ट के जरिए एम्पलीफाई करते हैं। ये साधारण लेवल में मैं आपको कहूँ तो गले में से या नाक में से सैंपल लिया जाता है, ये सैंपल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कुछ प्राइमर लगा के देखा जाता है, उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और बढ़ाने के बाद में वो कौन से बैक्टीरिया के, कौन से वायरस के जेनेटिक मटेरियल से मिलता जुलता है, ये देख के हम कंफर्म करते हैं कि वो जो सैंपल हमारा था वो किसका था। जिस तरह मैंने आपका आम का एग्जांपल दिया, समझिए इसमें भी ऐसे ही है कि जो RNA जो वहां पे पाया जाता है वो RNA को हम चेक करके कंफर्म करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म का है, कौन से वायरस का है। इसीलिए एक बार अगर किसी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो तो ये बात 100% कंफर्म है कि उस व्यक्ति को बीमारी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर सैंपल कलेक्शन में कुछ गलती छोड़ के, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेशेंट को बीमारी ना हो मगर रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आए। तो एकदम हम वो आम की गुठली का किस्सा एकदम याद रखें कि पेशेंट का रिपोर्ट में अगर कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ गया है तो उस पेशेंट का स्वैब जहां से लिया गया था वहां कोरोना का जंतु, कोरोना का वायरस जो COVID-19 कहते हैं, वहां पे 100% है। अब दूसरी बाजू, कभी कभी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कभी कभी नेगेटिव भी आ सकती है। जब ये रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इसका मायने क्या है, इसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि 100 कोरोना के पेशेंट में से 63 लोगों का जो NP स्वैब हम बोलते हैं, नाक से लिया हुआ जो सैंपल रहता है, 63 लोगों का पॉजिटिव आता है। बचे हुए 37 लोग ऐसे रहते हैं जिनका सैंपल हम लो, उनके अंदर कोरोना का वायरस है मगर फिर भी रिपोर्ट निगेटिव आती है। तो इसको एकदम आसान करते हुए अगर हम कहें, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई मतलब कोरोना का वायरस अंदर शरीर में है, बिल्कुल 100% समझ के चलना है। रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसको एक बार रिपीट करके देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोरोना का वायरस अंदर हो मगर फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इस रिपोर्ट को लेके काफी प्रिकॉशंस भी गवर्नमेंट लेती है, जो प्रशासन वो भी काफी प्रिकॉशंस लेता है। अलग अलग जगह पे इसके हम वापस इसको जो सैंपल रहता है उसको चेक करते हैं, बार बार उसका मशीन का कैलिब्रेशन होता है। इसलिए ऐसा होना नामुमकिन है कि पेशेंट को कोरोना नहीं है मगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक हाथ बार ऐसा हो सकता कि कोरोना है मगर रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना मेरा उद्देश्य था। इसके अलावा एक और चीज है जो कोरोना के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज महाराष्ट्र में जब एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट दी, चाहे हम अकोला का भी ले सकते हैं रिपोर्ट, या दुनिया में अगर हम बात करें, चाहे वो इटली की बात हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे वो US की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो अकोला की हो, अगर हम 100 कोरोना के पेशेंट्स अगर देखें जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 100 में से 70 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती, उनके अंदर कोरोना का वायरस रहता है मगर फिर भी उनको ना बुखार रहता है, ना खांसी रहती है, ना बदन दर्द रहता है, ना गले में खराश आती है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं रहती। तो हर 100 पेशेंट जिनके अंदर कोरोना का वायरस पाया गया, 70 पेशेंट में अंदर शरीर की अपनी जो इम्यूनिटी रहती है, जो जंतुओं से लड़ने की, वायरस से लड़ने की जो हमारी खुद की फौज जो अंदर रहती है, तो वो उस वायरस को मार देती है और 100 में से 70 पेशेंट को बिना कोई तकलीफ के पेशेंट उसमें से निकल जाता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आए और 100 में से 70 या 10 में से 7 लोगों को कुछ भी ना हो, ना उनको बुखार भी नहीं आएगा, वो बोलेंगे हम तो एकदम अच्छे, रिपोर्ट कैसे क्या पॉजिटिव आए। तो ऐसा मेडिकली होता है, ये महाराष्ट्र में भी पाया गया। महाराष्ट्र में तो 85% सैंपल जो है, 85% 100 में से 85 सैंपल ऐसे लोगों के जिनको कुछ भी नहीं। बचे जो 15 लोग हैं, हम महाराष्ट्र और इंडिया की बात करें तो 15 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको बुखार, सर्दी, खांसी, निमोनिया हो जाता है और वो एकदम जल्द से अच्छे हो जाते हैं।
पांच लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी काफी सीरियस होती है और कुछ लोगों को उनमें जान भी जा रही है, 2%, 3%, 5% अलग अलग जगह पे अलग अलग। ज्यादातर जो जईफ है, जिनकी उम्र ज्यादा है, उसमें जान को धोखा ज्यादा है, या जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, कोई हार्ट के पेशेंट है, कोई डायबिटीज के पेशेंट है, कोई बहुत ज्यादा मोटापा है, उनमें बीमारी सीरियस होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आजकल जो व्हाट्सएप पे नई नई चीजें चल रही है उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। एक बुनियादी बात हम समझे, एक बेसिक बात हम समझे कि 100 कोरोना के पेशेंट में से 70 से 85 पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं रहती, उनका शरीर उनको अच्छा कर देता है। जो 15 पेशेंट रह गए उनमें से भी 10 पेशेंट जो है उनको थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया बुखार होता है, 10 पेशेंट को जो बचे हुए 15 है उनमें से, और वो भी अच्छे हो जाते हैं। और सिर्फ 5 पेशेंट वो भी ऐसे जो बहुत जिनको पहले से कोई बीमारी हो, या जो बहुत बुजुर्ग है, प्लस 75 एज है, पहले से डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या दूसरे कोई रिस्क फैक्टर हो, जिनको फेफड़े की कोई बीमारी हो, इन लोगों में इसमें जान को धोखा ज्यादा रहता है। तो इस बीमारी से जो स्टिग्मा एक जो आ गया है, आजकल ऐसा हो रहा है कि कोरोना हो गया मतलब कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया किसी ने, जिस तरह से टाइफाइड का पेशेंट रहता है, जिस तरह से टीबी का पेशेंट रहता है, जिस तरह से मलेरिया का पेशेंट रहता है, उसी तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक वायरस से होने वाली बीमारी कोरोना है। ये बीमारी अगर आपको है तो इसको छुपाए ना, आप जल्द से जल्द इसके बारे में आपके जो डॉक्टर है उनसे सलाह लें। आपको अगर कोई कहता है कि आप जाके कोरोना ओपीडी में जाके दिखाए, तो आप वहां पे ये देखें कि हमको कोई चीज को छुपा के कुछ फायदा नहीं है, हम जल्द से जल्द इस बीमारी से अच्छे हो। और ये अभी तक का तजुर्बा पिछले 3 महीने में दुनिया भर के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका तजुर्बा ये रहा है कि 100 में से 85 पेशेंट को ना सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना बदन दर्द है, कुछ भी नहीं, और अच्छे भी हो जा रहे हैं। तो कोरोना का पेशेंट बिल्कुल काफी प्रमाण में अच्छे हो रहे हैं। हमारा काम है कि हम बड़ी जिम्मेदारी से करें, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये बार बार जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जा रहा है कि एक दूसरे से दूर रहो, हाथ ना मिलाओ, ग्रुप में खड़े ना रहो, अपने घर के अंदर रहो, सिर्फ बुनियादी चीज अगर सब्जी लेना है या एकदम बेसिक नीड्स के लिए घर से बाहर निकले, इसके अलावा बाहर ना निकले, इतना ही अगर हम करें तो कोरोना के जरासीम से जो लड़ाई जो आज इस देश में चल रही है, उस लड़ाई में हम अपना योगदान अगर सही किस्म से अगर दे सकते हैं तो 2 ही चीजें करके दे सकते हैं। एक तो हम दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, दूसरा किसी भी तरह की गलत अफवाह, गलत बात जो आपको पता नहीं है वो व्हाट्सएप के जरिए ना फैलाएं। ये आने वाले दिन में जैसे जैसे वक्त बीतेगा, मुझे बड़ा यकीन है कि जिस तरह से इस देश के, इस गांव के, इस शहर के लोगों ने कोरोना से अपनी लड़ाई में अपना योगदान दिया, आगे भी देंगे। ऐसे कई जरासीम, ऐसे कई बड़े बड़े पैंडेमिक्स पहले भी होके गए हैं, और हर बार इंसान के शरीर ने इन जंतुओं से इस लड़ाई में, मैं हमेशा कहता हूँ कोरोना की लड़ाई मनुष्य के, इंसान के शरीर की और वायरस के बीच की एक वॉरफेयर शुरू है, लड़ाई है। इस लड़ाई में इससे पहले बड़े बड़े वायरस आए और उनसे भी सही तरीके से अगर हमने डील किए तो उनसे हम हर बार ये जंग जीतते आए, आगे भी ये जंग जीतेंगे। इसका सोशल स्टिग्मा हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप बीमार है तो उसका इलाज करवाइए और किसी तरीके की रूमर, किसी तरीके की फेक न्यूज ना फैलाइए। शुक्रिया, जय हिंद।